बिस्मिल्लाह डाल दिया। ये तो अब इसको हम लोग निकाल रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए दूसरी साइड भी कितनी अच्छी हम लोगों ने इसको कलर दे लिया है। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को कभी ना सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस के जो से नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिल सकें। तो व्यूअर्स, चलते अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो से हमारी रेसिपी है वो है चरगा, और इसकी मज़ेदार से चरगे की रेसिपी क्या होगी, इसकी तरकीब क्या है, कौन कौन से जो से इन्ग्रीडियंट्स हमें दरकार है, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ना आधा पाव दही ले ली है, ठीक है। आप ना इसमें ना थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी है, ठीक है। आधा पौना चम्मच समझ लें ये मैंने डाल दी है मिर्च पीसी हुई, ठीक है। आधा चम्मच दादरी मिर्च का, तो पौना चम्मच नमक का, वो अपनी मर्ज़ी से भी आप कर सकते हैं कम से ज़्यादा। पौना चम्मच जीरे का, ठीक है। पीसा हुआ सूखा धनिया एक चम्मच, सही, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने डाल ली ना, ठीक है। अब मैंने इन्हें मिक्स करूँगी। मतलब हम ये तमाम तर जो स्पाइसेस हैं दही के अंदर शामिल कर चुके हैं, इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स करेंगे और इसकी मैरिनेशन करेंगे हम। हाँ जी हाँ जी। तो अब मैं आपको बताती हूँ, ये ना मैंने ना ये ना टक लगवा ली, ये टक है, ये ऐसी ना, ये से साबुत मुर्गा है ना ये, तो ये टक लगा दिए इसे। अब इसमें ना फिलिंग करेंगे इसके, मतलब मैरिनेशन करेंगे लगा के ना, एक दो घंटे लगा देंगे तो फिर ये ना मसाला रच जाएगा इसमें। तो फिर ना इसे ना थोड़ी देर के लिए ना चूल्हे पे रखेंगे पकने के लिए, फिर उसके बाद ना घी में तलेंगे इसे। ओके, बहुत ही मज़ेदार सी आज की जो सी रेसिपी है वो तैयार होने लगी है। देखिए ये मैंने ना इधर भी टक लगा दिया। घर में बिल्कुल बाजार से चरगा बना सकते हैं। अब ये होम मेड चरगा की रेसिपी जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि सबको बहुत पसंद होता है, तो मतलब अगर आप घर में बनाएंगे तो पूरी फैमिली आपकी इजीली इसको बनाकर खा सकती है और आप लोग घर में ही इंजॉय कर सकते हैं। तो अब बहुत आसान हो गया है घर में आपके लिए इस चरगे की रेसिपी को बनाना। तो मम्मा, अब हम लोग मतलब वेट कर रहे हैं मैरिनेशन के बाद। हाँ जी, एक रात के लिए भी रख सकते हैं आप, पर मैं दो तीन घंटे के लिए रख के ना फिर ये देचकी में डाल के ना, ठीक है, ये जो दही है ना ये पानी सुखा लेंगे इसका, फिर खुलेगी घी में ये तेल में जिसमें भी आप तलना चाहते हैं फिर इसे तलेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपके साथ इस रेसिपी के जितने भी स्टेप्स होंगे इसको शेयर करेंगे। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, आई होप कि आपको जो सी हमारी आज की रेसिपी है वो पसंद आएगी। हाँ जी, अब मैं ना इसे ना थोड़ी देर के लिए ना फ्रिज में रखूँगी ना दो तीन घंटे के लिए, ठीक है। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने हमारी वीडियो को पूरा देखना है, देखा कि मज़ेदार से जो चरगे की रेसिपी है वो कैसे फाइनल होगी। दो घंटे हो, दो तीन घंटे में लगा दिया मैंने। अब मैं ना इसमें देचकी में डाल के ना पकने के लिए रखती हूँ। अब जो ये है ना ये वाला, ये भी डाल दूँगी साथ ही, ये बचा हुआ ना जो दही है ना मसाले हैं ना इसके मिक्सचर, वो भी डाल दें। हाँ जी, ये पकने रख दिया। अब ये पकेगा तो मैं ना, हाँ जी ये देखिए ना पक रही है, मैंने उठा भी दिया इसे और गोश्त भी काफ़ी गल गया है। तो बस ये पानी ना सूखने का इंतज़ार करना है, फिर ना हम लोग इसे तल लेंगे। वो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें, ये देखिए साबुत है मुर्गी, तो फिर ना इसे तलेंगे। रेसिपी है वो है चरगे के हवाले से, आज हम आपको जो है चरगा बनाना सिखा रहे हैं। तो हम लोगों ने आपको दिखाया था कि पहले हम लोगों ने इसको पकने के लिए रख दिया, उसका पानी खुश करना था। पानी खुश करने के बाद हम लोगों ने अब इसको फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है, इसके अंदर हम लोगों ने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। तो मम्मा भी गर्म हो चुका है, अभी गर्म नहीं हुआ सही तरह, थोड़ा सा और। अच्छा, थोड़ा सा हमने इसको, क्योंकि हम लोगों ने हर बार आप लोगों से यही कहा कि जब भी आपने कोई भी चीज़ फ्राई करनी हो तो उसके जो है ऑयल का ख़ास टेम्परेचर को, एक जो सा होता है उस पर गर्म करना होता है ख़ास टेम्परेचर पे इसको, तो इसका ख्याल रखना पड़ता है कि वो ठंडा भी ना हो और बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो जाए। तो हम लोग भी इसका ख्याल रख के हम लोग इसके अंदर जो सा चिकन को वो फ्राई करेंगे। तो थोड़ा सा इसको मज़ीद और गर्म करना है इसको, तो फिर इसके अंदर हम लोग चिकन डालेंगे।
हाँ जी, ये देखिए मैंने बिस्मिल्लाह डाल दिया। तो व्यूअर्स, घी जो सा है वो गर्म हो गया, तो हम लोगों ने अब जो सा चिकन है इसके अंदर वो डाल दिया। बहुत ही आपने एहतियात से, नरमी से, नरम हाथों से आपने इसको जो सा है वो फ्राई करना है, क्योंकि आपको पता है कि जो चिकन है वो अब पक चुका है, सॉफ्ट हो गया है। तो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा हार्शली इसको टर्न करेंगे तो ये टूट जाएगा, तो फिर वो मतलब दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, और जो कि चल गया है वो भी फिर वो नहीं लगेगा। तो हम थोड़ा सा इसका वेट करते हैं पकने का और आपको दोबारा दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने कह दिया जाना हमारी वीडियो को पूरा, देखना देखना कि मज़ेदार जो चरगे की रेसिपी है वो कैसे फाइनल। तो व्यूअर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो सी आज चरगे की रेसिपी है इसको हम लोग बना रहे हैं। तो हम लोगों ने चिकन को तैयार करने के बाद इसको फ्राई करना था, तो यहाँ पर हम लोग इसको फ्राई कर रहे हैं आपके सामने। हम लोगों ने इसको यहाँ पर फ्राई होने के लिए कुकिंग ऑयल में रखा था, तो हम लोगों ने जो इसकी साइड को चेंज किया है, तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया है, लाइट ब्राउन सा कलर आ गया। बहुत ज़्यादा और कुक नहीं करना कि ये जल जाए, और भी केयरफुल आपने इसको टर्न करना है। दूसरी साइड को भी सेम इसी तरह हम लोग बना लेंगे, और फिर इसको बनाने के बाद हम इसको पलट लेंगे, यानी कि आपने इसको धीमी आंच पर बनाना है। वैसे तो हाफ कुक हो चुका है हमारा चिकन, लेकिन इसको फ्राई करना है, तो हम लोगों ने क्योंकि इसके ऊपर जो मसाले लगे हुए हैं उनको भी इसी तरह से हम लोगों ने पकाना है, तो इसलिए हम लोगों ने पहले इसकी एक साइड को फ्राई किया है, उसको हम लोगों ने फिर पलटने के बाद दूसरी साइड को भी हमने फ्राई होने के लिए जो सा है वो रखा हुआ है। तो इसी तरह हम लोग इसको बनाते हैं, तो आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत ही मज़ेदार से माशाल्लाह खुशबू आ रही है, बहुत ही उम्दा। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक दें, क्योंकि अब बाजार से चरगा बआसानी घर में बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है, और स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड कर रहे हैं। कहीं भी कोई अगर आपको डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में आके आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब इसको हम लोग निकाल रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए दूसरी साइड भी कितनी अच्छी हम लोगों ने इसको कलर दे लिया है, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हमारी आज की रेसिपी है फाइनल हो चुकी है, और देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी प्रेजेंटेशन हुई है। यहाँ पे हम लोगों ने जो फ्राइज़ हैं वो रखी हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने जो से अनियन और केचप, और ये देखिए जी जो हमारी मेन चीज़ है, कितना इसका प्यारा लुक है, बहुत ही मज़ेदार से जूसी सा जो चिकन है वो हमारा यहाँ पर तैयार हो गया। तो आज की जो हमारी रेसिपी थी वो चरगे की थी। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए हम अपनी फीडबैक दें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और हमें बताएं कि जो मज़ेदार सी रेसिपी है वो आपकी कैसे बनी है। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो व्यूअर्स, अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।